नेक्स्ट पार्ट इज एट पार्ट नंबर एट इंटीग्रेट करना है जी जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते आ रहे हैं अगर हम इसको देखें तो आपके पास ई e में कोई एक्सप्रेशन मौजूद है पावर की सूरत में आगे हम कहते हैं कि उसमें सम ऑफ टू एक्सप्रेशंस नजर आने चाहिए लेकिन यहां सिर्फ एक एक्सप्रेशन है वन ओवर वन प्लस अब यहां पर जो e की पावर में फंक्शन मौजूद है वो बताते खुद एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक नॉन फेमिलियर सा फंक्शन यानी जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन आ गया tan इनवर्स x तो ये हमने बात की थी कि अगर आपके पास वन फेमिलियर इंटेग्रल मौजूद हो तो कोशिश करें कि यहाँ पर सब्सिट्यूशन हो जाए ताकि आपके पास एक निस्बतन सिंपलर इंटेग्रल में ये कन्वर्ट किया जा सके तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ये tan इनवर्स x इसको सब्सिट्यूट किया जाए ताकि ये एक सिंपल एक्सप्रेशन uh, में चेंज हो जाए तो tan इनवर्स x को पुट किया t डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केर डी एंड t का डिफरेंशियल dt सो द गिवन एक्सप्रेशन विल बिकम व्हिच इज ई रिश्वल पार एम टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सर डी एक्स इज इक्वल टू

थोड़ा सा आ, एक डिफरेंट सा काम लग रहा था कि ये एक आ, इसको एकट कर सकते sum of two functions में में हालांकि e e की की मौजूद है लेकिन ए की पावर में हम लोग AX, यानी simple x होता था और उसके साथ ज़्यादा ज़्यादा से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता था लेकिन यहां पर सिंपल x नहीं था बल्कि एक फंक्शन के तौर पर अलग से चीज मौजूद थी इन द फॉर्म ऑफ टेन इनवर्स x तो so सबसे पहले हमने उसको पुट किया तो आपके पास जो था, वो इंतहाई सिंपल विच इज ई रिश्ते में कन्वर्ट हो गया और ये एक डायरेक्टली फॉर्मूलाई बाई टी यानी तो उसका इंटेग्रल करना हो ई डिवाइडेड बाई ए हो जाता है तो यहां पर एम मौजूद था एम डिवाइड हुआ इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई हम सब्सटीट्यूशन वापस शिफ्ट करवाएंगे एक्स में तो टी की वैल्यू पुट की वन ओवर एम एज इट इज ई रेस्ट टी की जगह पर टेन इनवर्स एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज ये आपके पास इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई आसानी से बाई यूजिंग सब्सिट्यूशन मैथड नाइन्थ पार्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन करनी है इसकी अब इसमें ई एक्स मौजूद नहीं है जैसा कि इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में ऑलमोस्ट मौजूद था तो अब इसको हम अब सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स जी सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया क्योंकि हमारे पास वन माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है तो टू एक्स एज इट इज लिखा वन माइनस कॉस में चेंज कर दिया साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय एडिंग पाई बाय टू एज हमने फर्स्ट ईयर में भी आइडेंटिटी देखी हुई हैं कि अगर कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स या पाई बाय टू माइनस एक्स हो यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू में एंगल एड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है तो दैट विल बिकम साइन ऑफ एक्स तो इस साइन एक्स की जगह हमने लिख दिया कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स यह सिर्फ इसलिए कि आपके पास वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला अवेलेबल है जी ये हम जानते हैं कि अगर कॉस टू एक्स हो अगेन फर्स्टमेट्रिक रिजल्टअल है वन माइनस साइन एक्स के सॉरी वन माइनस टू साइन स्कोर एक्स के नाउ हमें चाहिए कॉस एक्स की वैल्यू तो ये बन जाएगा जब अगर यहां डबल एंगल हो तो ये एंगल हाफ हो जाता है तो कॉस वन एक्स हो तो ये बन जाएगा तो पॉजिटिव हुई वन माइनस कॉस एक्स लिहाजा वन माइनस कॉस एक्स इज एक्चुअली टू साइन स्केयर एक्स बाई टू तो ये वन माइनस कॉस एक्स है हम इसको लिख सकते हैं टू साइन स्केयर एंगल डिवाइडेड बाई टू हेयर एंगल इज पाए बाय टू माइनस एक्स सो दिस टू एक्स विल रिमेन सेम वन माइनस कॉस एक्स की जगह पर हमने लिख दिया टू साइन स्केयर एक्स वेयर एक्स इज पाए बाय टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू सो दैट दिट्स विल बिकम ये टू और टू कैंसल हुआ एक्स वन ओवर साइन स्केयर इज एक्चुअली को स्केयर एंगल पाई बाई टू से भी टू डिवाइड हो रहा है एक्स से भी टू डिवाइड हो रहा है लिहाजा यह बन गया एक्स को सीक्वेंट स्केयर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू अब हम इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स सो आई लेट कवर्ड जहन में लाते हुए यहां एक्स इज एन एल फंक्शन बिकम यू या फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन को सिक्वेंट स्केर की इंटीग्रेशन माइनस एक्स बाई टू और फिर जो भी एंगल यानी एक्स से मल्टीप्लाई होने वाला कॉन्स्टेंट डिवाइड हो जाता है यहां पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन बाई टू तो ये माइनस वन बाई टू डिवाइड हो जाएगा जी हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हो यहां पर कोसिकेंट स्केयर है तो कोसिकेंट स्केयर सपोज ए एक्स है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉट ए एक्स डिवाइडेड बाय ए तो यहां पर एक्स का मल्टीप्लायर था माइनस वन बाई टू तो ये माइनस वन बाई टू डिवाइड हो जाएगा माइनस फिर इंटेग्रल ये जो v की सूरत में हम इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में u इंटू By parts use करते थे तो यू एज इट इज वी का इंटेग्रल और फिर यही इंटेग्रल एज इट इज दोबारा आता है तो ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन दोबारा आ गया और एक्स का डेटिविकम वन ये माइनस एंड माइनस कैंसल ये टू डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो टू एक्स कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू सिमिलरली दिस माइनस एंड माइनस प्लस ये माइनस वैसे ही रहेगा टू मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बच गया कॉट की इंटीग्रेशन हम जानते हैं होगी एंगल एज इट अगेन वही टेक्निक जो एक्स का मल्टीप्लायर है कांस्टेंट वो डिवाइड होता है इंटीग्रेशन करते हुए यहां माइनस वन बाई टू है वो माइनस वन बाई टू डिवाइड होगा टू ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाकर माइनस और माइनस प्लस होगा सो दैट विल बिकम टू एक्स बाई फोर माइनस एक्स बायू प्लस फोर इंटू लॉग साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू सॉरी साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज सो दिस बिकम द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन